देखो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल जो है वो शुरू होने वाला है और आप अगर गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च लैपटॉप्स आपको लेना पड़ेगा 2023 में जिनको लॉन्च किए गए। अब देखो 90,000 1,00,000 आप जो भी स्पेंड करो आपको अच्छा चीज मिले वही मैं भी चाहता हूँ। बिल्कुल ही ये कोशिश करना कि एकदम लेटेस्ट वाले मॉडल के साथ जाया जाए तो ही अच्छा है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में जो कि आपको इस सेल के अंदर परचेज करना चाहिए। ऐसा डिस्काउंट साल में एक बार ही आता है, नहीं तो अगले साल। नमस्कार, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉलॉजी। हमारे मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं सेल के रिलेटेड। अगर आप भी लैपटॉप खरीदने के लिए सोच रहे हो इस वीडियो को अंत तक देखो, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत में बता देता हूं इस सेल के अंदर SBI कार्ड में डिस्काउंट मिलने वाला है। इस बार क्रेडिट कार्ड पे ही नहीं डेबिट कार्ड पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। देखो अपने घर में किसी के पास भी डेबिट कार्ड होता है, SBI बैंक का कार्ड तो सबके पास ही होते हैं। आप 10% का डिस्काउंट इजीली उठा सकते हो Amazon से। एट द फर्स्ट मैं जिस लैपटॉप के बारे में बताऊंगा वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। देखो इसके अंदर आपको RTX 3070 Ti देखने को मिल जाएगा एंड i7 12th generation का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। नो डाउट कोई भी चीज आप चला लो मक्खन की तरह चलेगा, वो गेम हो, वो वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, कलर ग्रेडिंग हो, जो भी काम आप करते हो बड़े मक्खन से चलेगा। दिस वन इज Acer Nitro 5 गेमिंग। नॉर्मली 97,000 रुपया इसका प्राइस रहता है। मार्केट के अंदर अगर आप परचेस करने जाते हो तो भाई इस सेल के अंदर आपको ये जो लैपटॉप है देखने को मिलेंगे 93,000 रुपया में। ऑफकोर्स आपके पास अगर SBI का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप डिस्काउंट लगाओगे 90,000 रुपया में ये लैपटॉप आपको इजिली देखने को मिल जाता है। भाई 1,00,000 के ऊपर में मिलता है जो जो स्पेक्स मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको कोर i7 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, 16GB का रैम, 1TB का SSD, 165Hz का डिस्प्ले। इसके अलावा भी RTX 3070 Ti। इसके अलावा सारे गेमिंग फीचर्स, अच्छा खासा आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, 8GB कीबोर्ड्स मिलेंगे, सारे के सारे लेटेस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगे विद ब्लूटूथ सपोर्ट। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है, नहीं तो इस साल में नहीं लोगे तो फिर अगले साल जाके इतने सस्ते में लेना पड़ेगा। तो अभी टाइम में मौका है, ले लो, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट में मिल रहा है। हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि Asus वाले लैपटॉप लेना चाहते हैं गेम खेलने के लिए, तो उनके लिए ये वाला लैपटॉप बेस्ट हो सकता है। अगर आपका बजट इस बार 80,000 में अटका हुआ है तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को देख सकते हो। Asus की तरफ से आता है टफ गेमिंग F15, कोर i7 12th जनरेशन प्रोसेसर लेकर आता है, RTX 3050 GDDR6 वाला आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, 6GB रैम, 1TB का SSD, 144Hz के डिस्प्ले के साथ साथ 90W का एक पावर अडैप्टर मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाकी आपको सारी के सारी गेमिंग फीचर्स, कूलिंग सिस्टम, सब कुछ लेटेस्ट वाईफाई, ब्लूटूथ और Asus के जो भी यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, इसीलिए टफ गेमिंग जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। एक चीज आप ध्यान करना, पिछले वाले लैपटॉप के तुलना में इस लैपटॉप में वही सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है सिवाय ग्राफिक्स कार्ड के, जो कि इतने कम प्राइस में मिल रहा है। देख सकते हो प्राइसिंग ये 85,000 रुपया में नॉर्मली मिलता है, बट सेल के दौरान इसका इफेक्टिव प्राइस जो होगा वो 81,000 रुपया होगा। इजीली आप इसको ग्रैब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो फॉर इट। नेक्स्ट वन इज MSI Sword 15 गेमिंग। इस वाले लैपटॉप में आपको RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 1,00,000 के नीचे में ही मिलता है, 1,00,000 के ऊपर में प्राइस नहीं है, फिर भी RTX 4060। तो अगर आपका बजट है, आप भाई अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहते हो, डेफिनेटली मैं तो बताऊंगा अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही जाओ। RTX 4060 सब काम में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर गेमिंग करते हो तब तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 4K में भी गेमिंग वगैरह कर सकते हो, 144p में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो मस्ट ट्राई दिस लैपटॉप, बहुत ही बढ़िया वीडियोस एडिट कर सकते हो, 4K वीडियो 60fps तक एडिट कर लेगा मक्खन की तरह। इसके अलावा भी कोडिंग, कलर ग्रेडिंग, टॉक मार्केटिंग, जो भी आपका काम है, ऑफिशियल काम बताओ, कुछ भी आप इजीली इससे डन कर सकते हो। बाकी i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 16GB का रैम, 1TB का SSD, 144Hz का डिस्प्ले एंड ऑलमोस्ट जितने भी स्टप्स मिलते हैं विद फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगा एंड मेकाफी लाइफसेव एंटीवायरस आपको 15 मंथ के लिए देखने को मिल जाता है, जो कि MSI का फैसिलिटी होता है। एक चीज बहुत सही लगा कि इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको 8GB का VRAM मिलता है। नॉर्मली जितने भी मैंने बताया आपको वो 4GB या फिर 6GB के VRAM लेकर आते हैं, बट इसमें आपको 8GB का VRAM मिलता है। प्राइसिंग देखोगे तो ये नॉर्मली प्राइस आपको देखने को मिलता है 1,06,000 के आसपास में, बट सेल के दौरान आप देख सकते हो 96,000 रुपया इसका करंट प्राइस रहेगा। अगर सेल में आप डिस्काउंट भी लगाते हो, आपके पास कार्ड रहता है, तो आपको ये 95,000-94,000 रुपया में इजीली देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा, बिकॉज एकदम हाई फाई आपको क्वालिटी के सिस्टम दिए गए इसके अंदर, आप इसको जरूर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो फॉर इट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज लिनोवो लीजन प्रो गेमिंग। दिस वन कम्स विद राइजन 7 5800H प्रोसेसर, RTX 3070 ग्राफिक्स कार्ड। इस वाले लैपटॉप में 32GB रैम मिलता है। हाँ, इस प्राइस के अंदर 32GB का रैम तो मिलता है, बट आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको 1TB का SSD भी देखने को मिल जाता है, 165Hz तक का 16-inch का एक QHD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको 500 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलता है। लैपटॉप की दुनिया में मैंने बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स देखे हैं जो कि भाई 300 nits, 350 nits, 400 nits में जाते हैं, बट इस वाले पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको 500 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। अगर आप आउटडोर
आउटडोर में भी जाके इस्तेमाल करोगे, आपको धूप में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, गेम खेल सकते हो बाहर जाके आउटडोर में भी। तो इसमें जो Ryzen 7 5800H प्रोसेसर है ना, ये हाई सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब एकदम ही सुपर फाइन सीरीज का प्रोसेसर है। आपको मैं बता देता हूँ, प्रोसेसर की दुनिया में आपको तीन तरीके के प्रोसेसर मिलता है, एक यू, एक पी एंड उसके बाद एच सीरीज लास्ट में आता है। यू वाले नॉर्मल लेवल वाले होते हैं जो कि 20-30 हजार में मिल जाता है, एंड जो पी वाले होते हैं वो आपको 30-50 हजार, 60 हजार में मिल जाता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। एंड जो एज वाला है वो लास्ट होता है, एंड एज में ही सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलता है जो कि इस वाले लैपटॉप में आपको मिल जाता है। नॉर्मली देखो 1,20,000 रुपया इसका प्राइस है, सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, किसी में भी दिक्कत नहीं है, बट सेल के दौरान ये लैपटॉप आपको इफेक्टिव प्राइस मिलेगा 1,10,000 रुपया के आसपास में। अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगाते हो 1,05,000-6,000 में इजिली आपको मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, अगर आपको कोई भी काम करना रहता है, आपको कोई अपग्रेडेशन का जरूरत नहीं, एकदम खरीदने के बाद मक्खन की तरह यूज करना चाहते हो 4-5 साल, इजिली आप इस लैपटॉप को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो फॉर इट। नेक्स्ट वन इज एसर प्रीडेटर हेलियस न्यू। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, एकदम ही लेटेस्ट वाले प्रोसेसर लेना चाहते हैं, मतलब अभी के टाइम पे 13 जनरेशन चल रहा है आपको पता है, जो कि इस लैपटॉप पे देखने को मिलता है। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ साथ RTX 4050 6GB का VRAM मिलता है इस वाले ग्राफिक्स कार्ड में, और भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड है। नॉर्मल से जो RTX 3070 आते हैं, 3060 आते हैं, उससे तो बेटर परफॉर्मेंस आपको इसमें ही मिल जाता है। इसके अलावा 16GB का RAM भी मिल जाता है, जो कि आप अपटू 32GB तक अपग्रेड कर पाओगे। 1TB का SSD आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 16 इंच का 165W का एक WXGA डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें भी जो ब्राइटनेस है वो अच्छा मिल जाता है, 400 nits का ब्राइटनेस है, जो कि आपको आउटडोर में बहुत ज्यादा विजिबल होता हुआ दिखेगा। और बाकी देख सकते हो ये लैपटॉप भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लैपटॉप है, इसमें भी आपको RGB कीबोर्ड वगैरह मिल जाएगा, सारे के सारे लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं। वैसे SR के जो प्रीडेटर सीरीज होते हैं वो गेमिंग रिलेटेड ही होते हैं, 1,15,000 रुपए के आसपास में, बट सेल के दौरान इफेक्टिव प्राइस आपको 1,05,000 में देखने को मिलेगा, और यही लैपटॉप आप डिस्काउंट लगा के 1,00,000 रुपए में परचेस कर सकते हो। मुझे लगता है ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट डील हो सकता है, अगर आपको RTX 4050 चाहिए विद 13 जनरेशन लैपटॉप। लास्ट वन बट नॉट फॉर द लीस्ट, ये जो लैपटॉप है ये Asus Tab Gaming सीरीज में ही आता है। ये सबसे ज्यादा सस्ता लैपटॉप आप बता सकते हो, इस साल में इसके बहुत ज्यादा रेट डाउन होंगे, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया लिस्ट में, बट आप इसको देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है बाकी जितने भी बताए उनको चेकआउट कर सकते हो। Asus का Tab Gaming A15 लैपटॉप है, जिसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, Ryzen 9 5900H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है विद RTX 3060। 5800H जो है उसका ही सक्सेसर है 5900H, और बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, जो कि आपको लगभग i7 13 जनरेशन के आसपास का ही मामला पूरा एकदम निपटा के देता है। जो भी चलाओ भाई, Ryzen लवर जो भी हो आराम से निपटा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड भाई आपको कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया मिलेगा, लेटेस्ट वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, साथ ही साथ RGB कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर, जो भी मिलता है सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सेल के दौरान इसका प्राइस 80,000 रुपया जाने वाला है, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं। अगर आपको डिस्काउंट लगाना है तो आपको ये लैपटॉप 75,000 रुपया में मिल जाएगा। मैंने इसको लिस्ट में ऐड किया बिकॉज ये मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को देख सकते हो। यही थे दोस्तों सारे के सारे गेमिंग लैपटॉप डील्स जो कि इस सेल में आपको परचेस करना चाहिए। बाकी और भी आते हैं बट मुझे नहीं लगता वो वैल्यू फॉर मनी या फिर आपको खरीदने लायक है। जो भी अच्छे अच्छे लैपटॉप थे मैंने आपको बता दिए, सारे लैपटॉप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए गाइस, मैं हूं आपके साथ किशोर, लेटेस्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।